हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे न्यू पैटर्न मल्टी वर्ड फिलर्स के क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चन सभी बैंकिंग एग्जाम्स के लिए, प्री के लिए और मेंस के लिए, दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस क्लरिकल एग्जाम्स में, बैंक प्रीव एग्जाम्स में, पीजीडीएफ एग्जाम्स में कॉमनली पूछे जा रहे हैं इस समय, और ये ट्रेंडिंग क्वेश्चंस हैं। तो इन क्वेश्चंस को किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ये ट्रिक मैं बताऊंगा आपको, और इस ट्रिक को अप्लाई करके इस तरह के क्वेश्चंस को केवल और केवल 4 सेकेंड में आप सॉल्व कर सकते हैं। दीज आर वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, बट यू कैन सॉल्व दीज क्वेश्चन विद इन 4 सेकेंड इफ यू अप्लाई दिस ट्रिक। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं इस ऑफर के बारे में आपको बता देता हूँ। ये ऑफर आपको कॉन्टेंट पार्टनर प्रोग्राम के तहत दिया जा रहा है, और इसमें अड्डा 247 की कोई सी भी टेस्ट सीरीज आप डिस्काउंटेड प्राइस पर ले सकते हैं। इसका रिक्वेस्ट मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको भेजना है, और वहां पर मैं आपको लिंक भेजूंगा, इस लिंक के थ्रू इन टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, और देखिए देखने में ये क्वेश्चन कितना टफ लग रहा है। इसमें 3 फिलर दिए हैं, यहां पर एक सेंटेंस आप देख सकते हैं, ये एक सेंटेंस है और इसमें 3 फिलर दिए हैं। एक फिलर ये है, एक फिलर ये है और एक फिलर ये है। इसमें 3 फिलर दिए हैं एक सेंटेंस में। अब आपको करना क्या है, नीचे यहां पर 6 वर्ड दिए हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 6 वर्ड में से कौन से 3 वर्ड फर्स्ट सेकेंड और थर्ड में आएंगे, तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड का जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो आपका आंसर इसमें होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को 4 सेकेंड में करने के लिए 2 टेक्निक हैं, एक तो है पार्ट ऑफ स्पीच टेक्निक और एक है वर्ड कॉम्बिनेशन टेक्निक। पार्ट ऑफ स्पीच में आपको देखना पड़ता है कि यहां पर कौन सा वर्ड आएगा, नाउन आएगा, एडजेक्टिव आएगा, और वर्ड कॉम्बिनेशन टेक्निक में आपको ये देखना पड़ता है कि किस वर्ड के साथ कौन सा वर्ड जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए, गिवन द पॉलिटिकल डायनेमिक्स इन द यूएस टुडे अ सिस्टमेटिक सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज नॉट। यहां पर सेंस ये निकल रहा है कि कंसीडरिंग द पॉलिटिकल डायनेमिक्स यूएस में देखते हुए इस प्रॉब्लम का सिस्टमेटिक सॉल्यूशन नहीं दिख रहा है, साफ साफ नहीं दिख रहा है, या क्लियर नहीं है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ सकता है। तो यहां पर क्लियर से रिलेटेड एक वर्ड आप लगा सकते हैं, और क्लियर से रिलेटेड वर्ड है सेकंड। अब आपको क्या करना है, सीधा ऑप्शन पर जाना है और ऑप्शन पर देखना है आपको कि सेकंड किसमें, सेकंड इसमें भी है और सेकंड इसमें भी है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको एक ऑप्शन और देखना पड़ेगा। अब देखिए यहां पर हम सेकंड सेंटेंस में क्या बोल रहे हैं, द इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इज बेस्ड ऑन ए स्ट्रॉन्ग ऑफ इंटरेस्ट्स। उन दोनों के जो हित हैं, उन दोनों के जो इंटरेस्ट हैं, उसमें क्या चीज इन्वॉल्व है। जब दो लोगों के पार्टनरशिप की हम बात करते हैं तो वहां पर हम बोलते हैं म्यूचुअलिटी। तो सेकेंड और फिफ्थ का आपका ऑप्शन इसमें बन जाएगा, आपका जो आंसर होगा वो होगा थर्ड। ठीक है, तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस के आंसर आपको निकालना पड़ते हैं। इन क्वेश्चंस को पूछने का एग्जामिनर का जो पर्पज होता है, द ओनली पर्पज इज टू टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज, कि इंग्लिश लैंग्वेज को आप किस तरीके से समझते हैं, किस तरीके से वर्ड कॉम्बिनेशंस को आप अप्लाई करते हैं। और कोई लंबा पैरा आपके पास आ जाता है जब आप जॉब करते हैं, तो आप उसको किस तरीके से समझेंगे, ये इस एग्जामिनेशन का पर्पज रहता है। ये जरूरी नहीं है कि सारे वर्ड्स आपको आएँ या उस पैसेज के कॉन्टेक्स्ट को आप समझ पाएँ, लेकिन उस वर्ड्स को उस पैसेज को आप कर सकते हैं यदि आपको वर्ड्स की अच्छी नॉलेज है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको करना है। अब देखिए थर्ड में भी देखिए 6th आएगा इस आंसर के अकॉर्डिंग, और 6th यहाँ पर देखिए बिल्कुल सही है, क्योंकि इंटेंगल्ड एक वर्ब है, और वर्ब से पहले आप एडवर्ब लगाएंगे, और एडवर्ब जो है वो है इनएक्सट्रिकेबली। ठीक है, तो ये अपने आप यहां पर आपका सही हो गया, 2nd, 5th और 6th, ये यहां पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेमोरी इज ए ग्रेट चार्जर, इट इज ऑल्सो अ ग्रेट द कांग्रेस मेमोरी ऑफ इट्स पास्ट। देखिए द कांग्रेस मेमोरी ऑफ इट्स पास्ट, अब यहां पर देखिए क्या वर्ड लगा सकते हैं। सपोज यहां पर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो यहां पर कोई सा भी एक वर्ड आपको पकड़ना है, और उस एक वर्ड को आपको, एक वर्ड के बारे में यदि आप श्योर हैं, तो उस तरीके से क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। मेमोरी इज ए ग्रेट चार्जर, इट इज ऑल्सो ए ग्रेट, यहां पर एक नाउन चाहिए, यहां पर आपको एक नाउन चाहिए। ठीक है, इसको आगे देखते हैं हम, द कांग्रेस मेमोरी ऑफ इट्स पास्ट, द कांग्रेस मेमोरी ऑफ इट्स पास्ट इनर्जाइजेस, ये क्या है, वर्ब है, तो वर्ब से पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होता है, नाउन। तो यहां पर आपको नाउन चाहिए जो इस कॉन्टेक्स्ट में फिट हो सके। तो कांग्रेस पार्टी पहले सबसे मेन पार्टी थी, सबसे चीफ पार्टी थी, इस समय बीजेपी सबसे चीफ पार्टी लगती है, लेकिन कांग्रेस उस समय
सुप्रीम थी या सबसे ऊपर था, तो यहां पर आप लगा सकते हैं सुप्रीमेसी, ठीक है। यानी सेकंड में सुप्रीमेसी बिल्कुल सही है। देखिए मैंने कैसे बताया कि यहां पर वर्ब लगाया, तो वर्ब से पहले सब्जेक्ट आपको चाहिए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो नाउन होते हैं। सुप्रीमेसी एक नाउन भी है, सुप्रीमेसी एक नाउन भी है, और यहां पर कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग भी सही है, क्योंकि कांग्रेस की सुप्रीमेसी की हम यहां पर बात कर रहे हैं। तो सेकंड ऑप्शन में आपका थर्ड आएगा। अब सेकंड ऑप्शन में थर्ड कहां पर है? अब देखिए इस ऑप्शन में थर्ड सेकंड नंबर पर है, यानी आंसर होगा आपका फोर्थ, ठीक है। इसमें भी है थर्ड लेकिन फर्स्ट नंबर पर है, लेकिन इसमें थर्ड जो है वो सेकंड नंबर पर, थर्ड आपको सेकंड नंबर पर चाहिए, तो इसलिए इसमें जो आंसर होगा आपका फोर्थ होगा। अब देखिए मैंने पूरे सेंटेंस को नहीं पढ़ा, सारे वर्ड कॉम्बिनेशन सारे फिलर्स मैंने नहीं देखे, लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर मैंने इसका सही आंसर निकाल दिया। तो यहां पर इस तरीके से इसको आपको करना है, ठीक है। सारे वर्ड्स जानना आपके लिए जरूरी नहीं है, हालांकि ये वर्ड्स सारे सारे जितने भी वर्ड्स इसमें दिए हैं ये सारे मेरे ई बुक्स में मिल जाएंगे आपको। इनहिबिटर मतलब रोकने वाला, फैलेसी मीन्स मिस्टेकन बिलीफ, लैम्पूस मीन्स टू क्रिटिसाइज समवन, लेकिन उसके बावजूद भी ये सारे वर्ड्स जानना आपको जरूरी नहीं है, और उसके बावजूद भी आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं इस 90 डे श्योर सिलेक्शन प्लान के बारे में बताना चाहूँगा, ये IBPS क्लर्क और PO दोनों के लिए ही है। 90 डे में आपको प्री का इंग्लिश, मेंस का इंग्लिश और पूरा करंट अफेयर्स पढ़ाया जाएगा। तो इसमें ऑफर चल रहा है, इसमें यदि आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं तो इसमें वोकेबलरी ई बुक्स, 6 वोकेबलरी ई बुक्स आपको इसमें फ्री दी जाएंगी, और स्टूडेंट की डिमांड पर मैंने इसमें एडमिशन खोल दिया है, फिर से इसमें एडमिशन शुरू कर दिया है, तो इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। ये 90 डे शॉर्ट सिलेक्शन प्रोग्राम है IBPS क्लर्क के लिए और सभी बैंकिंग एग्जाम्स के लिए। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से इस बैच को आप तुरंत ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए ये कितना ट्रिकी क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है, काफी टफ क्वेश्चन लग रहा है, तो इसमें हम देखते हैं कहां से ये हो सकता है। वेयर करिकुलम डिजाइनर्स फियर टू ट्रेड, करिकुलम क्या होता है? करिकुलम होता है एक सिलेबस, जैसे कोई भी BSc BA MA करते हैं उसका एक करिकुलम होता है, उसका एक सिलेबस होता है। तो करिकुलम डिजाइनर्स फियर टू ट्रेड, यहां पर ये कीवर्ड है फियर टू ट्रेड, ट्रेड का मतलब होता है वॉकिंग या चलना। तो जहां पर करिकुलम डिजाइनर चलने से डरते हैं या उसको अप्लाई करने से डरते हैं, फिल्म डायरेक्टर्स टेक रिलैक्स्ड बोल्ड। अब बोल्ड के बाद आपको यहां पर क्या चाहिए? यहां पर एक नाउन चाहिए जो इस ट्रेड से रिलेटेड हो। ट्रेड माने वॉकिंग होता है, और वॉकिंग से रिलेटेड जो वर्ड है वो क्या है यहां पर आपको देखना पड़ेगा। एक तो यहां पर आपको नाउन चाहिए, और नाउन भी ऐसी चाहिए जो कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग सही हो। तो कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग सही कैसे पता पड़ेगा? वो आपको पता पड़ेगा ट्रेड से। ट्रेड क्या है? यहां पर नाउन है, ठीक है, इसका मतलब होता है वॉकिंग करना या चलना, और स्ट्राइड्स का मतलब भी होता है बड़े बड़े कदम, डिसाइसिव स्टेप्स, ठीक है। तो फर्स्ट में आएगा थर्ड, फर्स्ट में आएगा थर्ड। आप देखिए एवरेज बोल्ड, एवरेज आप नहीं बोल सकते, बोल्ड सस्पिशन आप नहीं बोल सकते, बोल्ड इम्प्यूट, इम्प्यूट कन्वोक आप नहीं बोल सकते। यहां पर आपको बोल्ड के आगे नाउन चाहिए, क्योंकि बोल्ड एक एडजेक्टिव है, तो उसके आगे नाउन चाहिए, और नाउन भी ऐसा चाहिए जो कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग सही हो। तो यहां पर स्ट्राइड ही एकदम फिट हो रहा है। अब आपको सेकेंड और थर्ड ऑप्शन को ना पढ़ते हुए सीधे ऑप्शन पर जाना है, ठीक है। थर्ड जो है ये किस में आ रहा है? फर्स्ट में। तो फर्स्ट में थर्ड कहां दिया है? फर्स्ट में थर्ड केवल फर्स्ट ऑप्शन में दिया है, तो इसलिए इसका आंसर भी आपका यही होगा। अब देखिए सेकंड वाले ऑप्शन में सेकंड आएगा, सेकंड वाले ऑप्शन में सेकंड आएगा, तो यहां पर सस्पिशन वर्ड चाहिए आपको। देखिए किलिंग ऑफ विमेन ऑन द सस्पिशन, ऑन द सस्पिशन एक फ्रेज भी होता है कि इस संदेह पर, किलिंग ऑफ विमेन ऑन द सस्पिशन दैट दे आर प्रैक्टिसिंग विच क्राफ्ट ऑकेजनली फिगर्स इन द न्यूज, ये बात बिल्कुल सही है कि औरतों को मार दिया जाता है इस संदेह पर, क्योंकि उनको डाउट किया जाता है कि वो विच क्राफ्ट को प्रैक्टिस करती हैं, वो जादू टोने को प्रैक्टिस करती हैं। तो यहां पर ऑन द सस्पिशन वर्ड भी बिल्कुल सही है, तो आपका आंसर होगा फर्स्ट। इस तरीके से इन क्वेश्चन को करते हैं तो विद इन 4 सेकेंड यू कैन सॉल्व एनी ट्रिकी क्वेश्चन ऑफ बैंक PO एग्जाम्स। इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, द स्टेट मस्ट फॉलो अ मोर पॉलिसी,
अब मोर पॉलिसी, अब देखिए पॉलिसी क्या है, नाउन है, पॉलिसी क्या है, नाउन है, तो यहां पर क्या चाहिए आपको, एडजेक्टिव। लेकिन एडजेक्टिव भी ऐसा चाहिए जो इस पॉलिसी वर्ड के साथ नेचुरली कंबाइन हो सके, ठीक है। पॉलिसी क्या फर्मेंट पॉलिसी हो सकती है, फर्मेंट पॉलिसी कभी सुना है आपने, हॉलिस्टिक पॉलिसी हो सकता है, एक्सेप्शनल पॉलिसी नहीं हो सकता, ठीक है, रिसेंटमेंट पॉलिसी, बर्लेस, देखिए वर्ड के कॉम्बिनेशन से पता पड़ जाता है कि कहां पर कौन सा वर्ड जाएगा। हॉलिस्टिक पॉलिसी, पॉलिसी आप निश्चित रूप से बोल सकते हैं, हॉलिस्टिक पॉलिसी मतलब ऐसी हो, ऐसी पॉलिसी जो ऑल इंक्लूसिव हो, ठीक है। तो इस वर्ड के साथ केवल हॉलिस्टिक वर्ड ही जा सकता है, यानी फर्स्ट में जो ऑप्शन आएगा वो आएगा सेकंड, यानी फर्स्ट जो आपका आंसर होगा उसमें जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वो होगा सेकंड। अब आपको सेकंड वाला देखना है, फर्स्ट में सेकंड, फर्स्ट में सेकंड केवल एक ही है और आपका आंसर होगा थर्ड। मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा, मैंने सारे वर्ड्स नहीं देखे और इसका सही आंसर निकाल दिया, और इस आंसर को मैं जस्टिफाई भी कर सकता हूं क्योंकि यहां पर मैं जो टेक्निक अप्लाई कर रहा हूं वो साइंटिफिक टेक्निक्स हैं। अब देखिए यहां पर जो आएगा वो फोर्थ वर्ड आएगा आंसर के अकॉर्डिंग, यहां पर फोर्थ वर्ड आएगा, फोर्थ वर्ड कौन सा है, रिसेंटमेंट, रिसेंटमेंट के साथ हम ओवर लगाते हैं, रिसेंटमेंट के साथ हम ओवर लगाते हैं, तो रिसेंटमेंट भी यहां पर सही है। रिसेंटमेंट का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर, किसी व्यक्ति या वस्तु के ऊपर डिससेटिस्फेक्शन होना, डिससेटिस्फेक्शन ओवर समथिंग, तो यहां पर वी आर सेइंग रिसेंटमेंट ओवर व्हाट, ओवर द पॉसिटी ऑफ जॉब्स, जो जॉब्स की कमी है उसके ऊपर रिसेंटमेंट की यहां पर बात हो रही है। तो यहां से भी मैंने जस्टिफाई कर दिया, यहां से भी जस्टिफाई कर दिया, और इसमें आंसर में कितना टाइम लगा, मुश्किल से 4 या 5 सेकंड इस इतने लंबे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब देखिए सेकंड में भी थर्ड आएगा, सेकंड में इस आंसर के अकॉर्डिंग थर्ड आएगा, तो यहां पर देखिए सेकंड में थर्ड बिल्कुल सही है, गुजरात इज नो एक्सेप्शन, गुजरात इज नो एक्सेप्शन मतलब गुजरात इस चीज का कोई अपवाद नहीं है, तो इस हिसाब से थर्ड इसमें बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। अगेन बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, देखिए यहां पर हम देखते हैं, यहां पर भी मैं सेम ट्रिक से आपको करके बताऊंगा, और ये रियल बैंक पीओ मेंस के क्वेश्चंस हैं। देखिए व्हाइल एजुकेशन हैज इंप्रूव्ड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज, जॉब अपॉर्चुनिटी यहां पर एक वर्ड दिया है, ठीक है, एजुकेशन ने जॉब अपॉर्चुनिटीज को इंप्रूव किया है। अब यहां पर चूंकि एंड लगा हुआ है तो एंड से रिलेटेड एक वर्ड चाहिए, और एक ऐसा वर्ड चाहिए जो जॉब अपॉर्चुनिटी के इक्विवेलेंट हो, जॉब अपॉर्चुनिटी से मेल खाता हो, तो कौन सा वर्ड है, एलिजिबिलिटी हैम्पर्ड, एक तो आपको नाउन चाहिए क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटी नाउन है, तो हैम्पर्ड नहीं आएगा क्योंकि ये नाउन नहीं है, ठीक है, एक्सेस नाउन हो सकता है, नोटेबल नाउन नहीं है, ये एडजेक्टिव है, बी विच वर्ब है, तो यहां पर नाउन क्या है, नाउन केवल एलिजिबिलिटी है, और एलिजिबिलिटी जॉब अपॉर्चुनिटी के इक्विवेलेंट वर्ड है, तो फर्स्ट में आपका फर्स्ट आएगा। अब ऑप्शन देखिए, फर्स्ट में फर्स्ट कहां पर है, फर्स्ट में फर्स्ट केवल सेकंड में है, आपका आंसर होगा सेकंड, ठीक है। अब देखिए थर्ड में, देखिए थर्ड में क्या वर्ड चाहिए, थर्ड में इजी लगा है, तो इजी के बगल में यहां पर आपको नाउन चाहिए, नाउन कौन सा है, एक ऐसा नाउन चाहिए जो इस वर्ड के साथ जा सके, देखिए एक्सेस वर्ड जा रहा है यहां पर क्योंकि इजी एक्सेस होता है, तो एक्सेस वर्ड भी यहां पर जा रहा है, इसका मतलब इसमें आंसर होगा आपका थर्ड। विद इन 4 सेकंड मैंने इसका आंसर निकाल के बताया, दीज आर द रियल बैंक पीओ मेंस क्वेश्चंस, और आपको मैं बता रहा हूं किस तरीके से विद इन 4 सेकंड यू कैन सक्सेसफुली सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, सक्सेसफुली मींस विद कंप्लीट एक्यूरेसी यू कैन सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, अगेन अ वेरी टफ क्वेश्चन, लिबरल प्रोग्रेसिव अमेरिका में अंडरस्टैंडेबली फियर दैट द कंट्री इज ऑन द के साथ क्या हो सकता है, ऑन द के साथ कौन सा फ्रेज बन सकता है, कौन सा इडियम बन सकता है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। देखिए ऑन द के साथ एक फ्रेज होता है ऑन द ब्रिंक ऑफ, एक इडियमेटिक एक्सप्रेशन होता है ऑन द ब्रिंक ऑफ, मतलब वो इसकी दहलीज पर खड़ा हुआ है, तो ब्रिंक आएगा यहां पर फोर्थ में आपका, मतलब फर्स्ट जो होगा वो फोर्थ होगा, फर्स्ट जो होगा वो फोर्थ होगा, आपका आंसर आ गया फोर्थ, क्योंकि मैं यहां पर श्योर हूं कि ऑन द ब्रिंक ऑफ यहां पर बिल्कुल सही है, ऑन द ब्रिंक और इडियम भी होता है। मैंने इस पूरे क्वेश्चन को नहीं पढ़ा, मैंने सारे ब्लैंक्स नहीं देखे, मुझे ये सारे मीनिंग्स नहीं पता, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने सही आंसर निकाल दिया। टॉपर और रैंकर होते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं, उनसे क्रॉस चेक कर सकते हैं, वो भी क्वेश्चन को इसी तरीके से करते हैं, और बैंकिंग के किसी भी एग्जाम में आपको यदि सिलेक्शन लेना है तो इस ट्रिक को
अप्लाई करना ही पड़ेगा। आप यदि इस पूरे क्वेश्चन को पढ़ेंगे, सारे वर्ड्स के मीनिंग जानने की कोशिश करेंगे, तो नंबर वन तो पहले क्वेश्चन ये हो ही नहीं पाएगा, और होगा भी तो उसमें 2 या 3 सेकंड का टाइम लगेगा, जो कि गलत होगा, मतलब उसमें तो आप कर ही नहीं पाएंगे बिल्कुल। तो इस ट्रिक को आपको अप्लाई करना है, इस ट्रिक को अप्लाई करके ही आप बैंकिंग एग्जाम में श्योर सिलेक्शन आप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, वेस्टफैलिया हैज इट्स क्रिटिक्स हु पॉइंट टू द रिस्क ऑफ टेरिटोरियलिटी फ्रॉम। अब यहां पर मैंने प्रपोजिशन पकड़ा फ्रॉम के साथ कौन सा वर्ड आ सकता है? एक फ्रेज होता है स्टेम फ्रॉम, मतलब वहां से निकलना या ऑरिजिनेट होना, तो स्टेमिंग वर्ड इसमें आ जाएगा, ठीक है। अब फर्स्ट में फर्स्ट कौन सा है, मतलब किस ऑप्शन में फर्स्ट पहले स्थान पर दिया है? सेकंड में आंसर होगा सेकंड। अब आप लगा लीजिए इसके सारे ऑप्शन आप लगा लीजिए, बिल्कुल सही जाएंगे इसके आंसर, क्योंकि मैं इसको जस्टिफाई कर सकता हूं, क्योंकि स्टेम फ्रॉम एक फ्रेज होता है जिसका मतलब होता है किसी जगह से ऑरिजिनेट होना, ठीक है। अब देखिए यहां पर भी यहां पर क्या आएगा, इस आंसर के अकॉर्डिंग यहां पर फोर्थ है, सेकंड में यहां पर मेटाफोर वर्ड आना चाहिए। तो देखिए नंदलेस बिकम अ मेटाफोर, मेटाफोर को हम बाय वर्ड भी बोलते हैं, ठीक है, तो मेटाफोर भी यहां पर सही जा रहा है। तो इस तरीके से इन आंसर्स को आपको निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया पाकिस्तान एंड चाइना आर ऑलरेडी सफरिंग इफेक्ट्स। तो वो इफेक्ट्स नाउन है, इफेक्ट क्या है? नाउन है। तो यहां पर एक ऐसा वर्ड चाहिए जो एडजेक्टिव हो, क्योंकि उनको नाउन के साथ एडजेक्टिव आता है, यहां पर एक ऐसा वर्ड चाहिए जो एडजेक्टिव हो और कॉन्टेक्चुअली सही हो। इफेक्ट के साथ कौन सा वर्ड जा सकता है? इफेक्ट के साथ सिंच का मतलब बहुत सरल काम होता है, मॉडरेट आप बोल सकते हैं, क्योंकि मॉडरेट इफेक्ट होते हैं, हार्ड इफेक्ट होते हैं, इजी इफेक्ट होते हैं, मॉडरेट इफेक्ट होते हैं, तो मॉडरेट वर्ड जा सकता है यहां पर, यानी फर्स्ट में मॉडरेट आएगा, यानी फर्स्ट में आपका सेकंड आएगा। सेकंड किस में है? फर्स्ट में सेकंड है, इसमें आपका आंसर होगा फर्स्ट, ठीक है। अब देखिए दूसरे वाले ब्लैंक में सिक्स्थ जाएगा, यानी दूसरे वाले ब्लैंक में वर्सन वर्ड जाएगा। अब देखिए यहां पर वर्सन बिल्कुल फिट हो जाएगा, यहां पर विल के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म केवल वर्सन है इन सारे ऑप्शंस में, सिंच नहीं है, मॉडरेट नहीं है, इनुई नहीं है, ठीक है, वेलिकोज नहीं है, प्रोग्नोसिस नहीं है, ये सब नाउन है, यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म केवल और केवल वर्सन है, ठीक है। तो इस तरीके से सिक्स्थ आएगा सेकंड में, आपका आंसर हुआ यहां पर फर्स्ट। बहुत फास्ट तरीके से, एक बहुत फास्ट तरीका है क्वेश्चंस को करने का, एक एक्यूरेट तरीका है क्वेश्चंस को करने का, और पूरी तरीके से जस्टिफाइबल तरीका है। और यदि इस टिक को आपने सक्सेसफुली अप्लाई कर लिया, तो बैंक पीओ एग्जाम में आपको कोई भी नहीं रोक सकता, ना प्री में ना मेंस में। देखिए नाइन्थ क्वेश्चन, देखिए काफी ट्रिकी और लंबा क्वेश्चन है ये, लेकिन इसको आप कर सकते हैं। कोई भी एक वर्ड पकड़िए यहां पर, फर्स्ट वर्ड, सेकेंड वर्ड, थर्ड वर्ड, ठीक है। अब देखिए यहां पर सपोज आपने ये नहीं पढ़ा, सपोज ये टफ लग रहा है आपको, आपने ये नहीं पढ़ा, लेकिन आप यहां पर देखिए शिफ्ट नेसेसरी टू रिड्यूस डेथ एंड डिसेबिलिटी, हम इसमें किसकी बात कर रहे हैं? रोड एक्सीडेंट की बात कर रहे हैं। अब आप यहां पर देखिए, इट एक्सप्रेसेस कंसर्न एट द लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु डाई एवरी ईयर एंड द थाउजेंड्स हु। अब देखिए हम यहां पर बोल रहे हैं कि रोड एक्सीडेंट में हजारों लोग मारे जाते हैं, रोड एक्सीडेंट में हजारों लोग मारे जाते हैं, और हजारों लोग क्या होते हैं? मारे जाने का इक्विवेलेंट वर्ड क्या है? मारे जाने का इक्विवेलेंट वर्ड है कि घायल हो जाते हैं, यानी वुंडेड हो जाते हैं। तो घायल हो जाने का इक्विवेलेंट वर्ड यहां पर आपको चाहिए, घायल हो जाने का इक्विवेलेंट जो वर्ड है वो है क्रिपल्ड। क्रिपल्ड मतलब हाथ पर जिसमें खराब हो जाते हैं, टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। तो आई एम 100% श्योर कि यहां पर क्रिपल्ड वर्ड ही आ सकता है, ठीक है। अब यहां पर देखिए और दूसरे वर्ड लगा के देखिए, क्वांटम इन एक्सीडेंट कोई मतलब नहीं है, रिएटरेटिंग इन एक्सीडेंट कोई मतलब नहीं है, यहां पर क्रिपल्ड वर्ड बिल्कुल सही है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट कह रहा है कि कुछ लोग, हजारों लोग मारे जाते हैं और कुछ लोग घायल हो जाते हैं, क्रिपल्ड हो जाते हैं, ठीक है। यानी लास्ट ऑप्शन में फोर्थ आंसर फोर्थ आएगा, लास्ट ऑप्शन में फोर्थ आएगा। अब लास्ट ऑप्शन में फोर्थ दो में दिया है, इसमें लास्ट ऑप्शन में फोर्थ दो में दिया है, तो इन दोनों में से आपको इसका आंसर देखना पड़ेगा। अब इसके लिए आप यहां पर देख सकते हैं, फेल टू सिग्नल द शिफ्ट, शिफ्ट के साथ कौन सा वर्ड जा सकता है? शिफ्ट के साथ क्वांटम वर्ड जा सकता है,
क्वांटम शिफ्ट एक वर्ड होता है। तो फोर्थ, फोर्थ के पहले क्या आएगा इसमें, फोर्थ के पहले फर्स्ट आएगा। नहीं, फोर्थ यहां पर क्या आएगा, सेकंड में क्वांटम आएगा एक्चुअली, तो क्वांटम दिया है फर्स्ट में, ठीक है, तो यहां पर आपका आंसर होगा सेकंड, ठीक है, सेकंड में क्वांटम दिया है, हाँ सेकंड में फर्स्ट दिया है, तो आपका आंसर होगा सेकंड, ठीक है। ऐसे इन क्वेश्चंस को करना है। एक क्वेश्चन और देखते हैं यहां पर, फ्रॉम इंडिपेंडेंस इंडिया पॉलिटिकल सेट टेकन द फॉर्म ऑफ ए कंसेंसस। देखिए, फ्रॉम इंडिपेंडेंस आजादी के बाद से इंडियाज पॉलिटिक्स हैड टेकन द फॉर्म ऑफ ए कंसेंसस। इंडिया की पॉलिटिक्स ने एक कंसेंसस का फॉर्म ले लिया था, एक सहमति का फॉर्म ले लिया था, कंसेंसस टू इशूज, टू के साथ यहां पर कौन सा वर्ड जुड़ सकता है, वो वर्ड यहां पर आपको चाहिए। क्या स्ट्राइडेंट जुड़ सकता है, क्या डॉन्टलेस जुड़ सकता है, क्या पर्टेनिंग जुड़ सकता है। यदि आप रीडिंग करते हैं रेगुलर बेसिस पर तो एक सेकंड में आप बता देंगे कि पर्टेनिंग टू होता है, पर्टेनिंग टू मतलब इससे रिलेटेड, यानी फर्स्ट में 100% श्योर थर्ड ही आ सकता है, बाकी के वर्ड नहीं आ सकते, ठीक है। ये स्किल या ये नैक जो आता है आपके अंदर वर्ड कॉम्बिनेशन का, ये आता है रीडिंग से, इसलिए बैंकिंग एग्जाम के लिए कंटिन्यूस रीडिंग बहुत जरूरी है, ठीक है। तो थर्ड जो होगा वो फर्स्ट में होगा। अब थर्ड फर्स्ट में किस में है, केवल एक ही ऑप्शन में है, श्योर शॉर्ट आपका आंसर होगा थर्ड। आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरा क्वेश्चन पढ़ने का बैंकिंग एग्जाम में टाइम आपको नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना है, और इस तरह की ट्रिक्स बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, बहुत डिटेल में मैं अपने ई कोर्सेज में, अपने टारगेट बैचेस में आपको बताता हूँ। तो ये 90 डे का श्योर सिलेक्शन प्लान मैंने शुरू किया है, इसमें काफ़ी एडमिशन हो चुके हैं, लेकिन स्टूडेंट की डिमांड पर इसमें एडमिशन लेना मैंने फिर से शुरू कर दिया है। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें आपको पूरा इंग्लिश प्री का और मेंस का पढ़ाऊंगा, पूरा मेंस का करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा, सारी ट्रिक्स आपको बताऊंगा, और इन ट्रिक्स को यदि आप अप्लाई करते हैं तो श्योर शॉर्ट 110% सिलेक्शन आप बैंकिंग एग्जाम में ले सकते हैं, वेदर इट इज़ बैंक क्लरिकल एग्जाम, बैंक पीयू एग्जाम, बैंक पीजीडीएफ एग्जाम, सारा सिलेबस इसमें आपका कंप्लीट होगा। इस प्रोग्राम को, इस 90 डे श्योर सिलेक्शन प्लान को यदि आप आगे एक्सटेंड करना चाहते हैं तो 3 महीने के बाद इसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं इसी प्राइस में। तो ये एक बहुत ही कन्वीनियंट तरीका है श्योर सिलेक्शन लेने का। और इस टारगेट बैच में जो क्लासेस लगती हैं वो आपका, इसका जो कोर्स का लिंक आपको भेजा जाता है वो आपके मेल पर भेजा जाता है, और मेल पर क्लिक करके इस कोर्स को खोल सकते हैं। वहाँ डेली क्लासेस भी अपलोड होती हैं और प्री रिकॉर्डेड क्लासेस भी रहती हैं। इसको लैपटॉप पर, मोबाइल पर, कंप्यूटर पर, टैबलेट पर, सभी पर आप सक्सेसफुली इसको आप चला सकते हैं। इसमें व्हाट्सएप ग्रुप भी आपको मिलता है डिस्कशन के लिए, और इसमें ई बुक्स भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी, 6 ई बुक भी इसमें आपको प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर इस वीडियो क्लास के रिगार्डिंग आप फीडबैक दे सकते हैं और मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं इन नंबर्स पर। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।